नमस्कार, स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे दोस्तों। बहुत एग्जाम में इवन अपन स्टार्ट ही करते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साहित्यकार के बारे में। ऐसा एक नहीं कई एग्जाम में होता है। पिछले जो एग्जाम हुए हैं 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों एग्जामों में साहित्य के बारे में प्रश्न पूछा गया है। मीरा जो है कौन से साहित्य से संबंध रखती, या मीरा क्या थी, उसी प्रकार से अलग अलग चीजें पूछी जाती है। महत्वपूर्ण ये होता है, राजस्थान के जो प्रमुख साहित्यकार है उनके नाम भी हमें याद करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि ये इतने फेमस लोग होते हुए भी इनका इतना प्रचार प्रसार गवर्नमेंट ने नहीं कर रखा है, इस वजह से हमें ये भी याद करने पड़ते हैं। बहुत ही टिपिकल ये लगता है। तो आज ये याद करने की आपकी जो बहुत ही बड़ी दुविधा है वो खत्म होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक भी प्रश्न साहित्य संबंधित गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप क्या है कि आप जस्ट रटते हैं। यहां पर मैं बताने वाला हूं कि ये साहित्यकार थे कौन, किस प्रकार से रहते थे, इनकी जीवन शैली क्या थी, इनके बारे में क्या क्या चीजें लिखी गई है, क्या क्या पुरस्कार इनको मिला हुआ है, और किस प्रकार से इन्होंने इनकी कहानी क्या थी। अगर आपको कहानी पता चल जाएगी इनकी, तो ये साहित्यकारों को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनके बारे में भी जानेंगे, इनके अंदर क्या था, किस प्रकार से ये सारी चीजें इनके जीवन में घटित हुई। तो तमाम जो साहित्यकार है जिनके प्रश्न बनते हैं या जो महत्व रखते हैं राजस्थान की संस्कृति में, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में, उसको हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। एक बात और बता दूं, ये जो टॉपिक है न केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एज अ राजस्थानी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपके राजस्थान के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको भी अगर अपन नहीं जानेंगे तो हम किस आर्ट और कल्चर की बात हम करते हैं, सही है कि नहीं है। तो एक काम आप ये भी करना, अगर आप इनको जान लो तो औरों को भी बताना कि ये साहित्यकार हुए हैं जो अपने राजस्थान के थे और इन्होंने बहुत अच्छा नाम फैलाया दुनिया में राजस्थान का, लेकिन हम राजस्थान के लोग ही इनके बारे में नहीं जानते। तो कम से कम ऐसा होना चाहिए। ये काम सरकारों का है, आपका नहीं है, लेकिन क्या करें, सरकारें कभी काम करेगी नहीं, तो अपन ही करते हैं देश हित में, राज्य हित में। तो दोस्तों पहले जो साहित्यकार हैं वो हैं सूर्यमल मिश्रण। कई बार इनका प्रश्न बनता है। सूर्यमल मिश्रण जो थे वो बेसिकली हाड़ौती से बिलोंग किए करते हैं, और ऐसे भी प्रश्न बना हुआ है कि हाड़ौती के प्रसिद्ध जो साहित्यकार रहे हैं वो कौन थे। ऐसा भी प्रश्न बना हुआ है, बूंदी से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार कौन से थे। तो आप दोनों का आंसर एक ही लगाएंगे, श्री सूर्यमल मिश्रण, और ये प्रमुखतया बूंदी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। आगे में इनका एक ब्रीफ बाद में लेंगे अपन, पहले इनके जानेंगे कि ये क्या थे, किस प्रकार से उनका सब कुछ हुआ। आगे इनके बारे में जो डिटेल होगी वो भी बताई जाएगी टेक्स्ट के माध्यम से। पहले हम फोटो के माध्यम से देखेंगे ताकि अपन को पता तो चले कि ये व्यक्ति है कौन। एक तो कोई साहित्यकार आपने खुद ने देखा हो या पढ़ा हो वो एग्जाम में आ जाए, लेकिन उसका आंसर आप नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि आपको पता नहीं ये कहाँ का है। तो उनकी फोटो देखना सबसे पहले जरूरी है। राजस्थान के एक और महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए हैं, उनका नाम है एलपी तेसी तोरी। दोस्तों इसका प्रश्न बहुत बार बना हुआ है कि ये कौन थे, इनके बारे में जानने की इच्छा हर एक व्यक्ति को रहती है। एक बात आपको बता दूं, वर्तमान में ये नहीं है, लेकिन ये राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार माने जाते हैं। इनके साहित्य की जो चर्चाएं हैं वो हर जगह अलग अलग जो चीजें होती है साहित्य के संबंध में ऑर्गेनाइज उसमें की जाती है। तो ये भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का फोटो मैंने यहाँ पे लिया है। ये तमाम लोग हैं, इनमें एलपी साहब नहीं है, लेकिन ये उनके बारे में, उनके साहित्य के बारे में ही चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, अलग अलग चीजें यहाँ पर दिखाई गई है, इतने बड़े ये साहित्यकार है। एक बार और बता दूं, ये जो हुआ था ये हुआ था कोलकाता के अंदर, और कोलकाता में ऐसा बताया गया था कि कोलकाता जो है राजस्थानी की मतलब माँ स्वरूप भाषा कोलकाता एक भाषा है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो इन साहित्यकारों ने ऐसा ऐसा भी वर्णन किया हुआ है। तो कोलकाता में जाएं या आप किसी और क्षेत्र में जाएं तो वहां पर भी राजस्थानी का नाम पहुंचाया है। तो इस प्रकार से साहित्यकार बहुत ही फेमस हो जाते हैं। एक और साहित्यकार अपने बीच में आते हैं, वो है कर्नल जेम्स टोड। लगभग लगभग जिसने भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा उनको पता होगा कौन थे ये। अब ये तीन व्यक्ति नहीं थे, नहीं ये कर्नल है, नहीं ये जेम्स है, नहीं ये टोड है। ये तीनों एक ही व्यक्ति है। ये भी कर्नल जेम्स टोड है, ये भी कर्नल जेम्स टोड है, ये भी कर्नल जेम्स टोड है। एक्चुअली क्या है कि अंग्रेजों के जमाने के टाइम पे ये थे, तो उस टाइम पे फोटो कम बनते थे, तो इसी वजह से ये इनका परमानेंट फोटो माना जाता है। ये फोटो और ये फोटो भी कर्नल जेम्स टोड से संबंधित ही माने जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों फोटो मैंने लगाए हुए हैं ताकि आप देख लें। ये राजस्थान के प्रथम इतिहासकार भी माने जाते हैं। तो साहित्यकार भी है, इतिहासकार भी है। आगे हम चलें तो ये इनको एक कहा जाता था, बाबा कहा जाता था इनको।
तो ये भी पूछ लिया जाता है कि घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है, तो घोड़े वाले बाबा कौन है, कर्नल जनरल टोडी है, क्योंकि आपको पता होगा ये जो रियल लैंग्वेज होती है उसमें बाबा उसको कहा जाता है जो काला होता है या जो ज्यादा गोरा होता है उसे भी बाबा कहा जाता है, जो देसी लैंग्वेज होती है। तो ये बहुत ज्यादा गोरे थे, अंग्रेज थे, तो इसलिए इनको बाबा कहा जाता था, घोड़े वाले बाबा। आगे अगर मैं बात करूँ तो अगले अपने साहित्यकार जो आते हैं वो है कन्हैया लाल सेठिया। बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं और कई बार इनके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये देखा होगा यहाँ पे इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये ऐसे साहित्यकार हैं जो राजस्थान में काफी ज्यादा फेमस हैं और अपना नाम रखते हैं। इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे इसी वीडियो में। विजयदान देथा के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। ये विजयदान देथा है, आप इनकी शक्ल देख लीजिए किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति की तरह ये रहते हैं, और बहुत ही प्रमुख और फेमस राजस्थान का नाम इन्होंने बहुत आगे ले गया है, राजस्थानी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। तो ये है विजयदान देथा। आगे हम चलें तो कोमल कोठारी, बहुत से व्यक्ति तो ऐसे होंगे जिनको अभी तक पता ही नहीं होगा कि कोमल कोठारी एक स्त्री है या पुरुष है, तो वो कंफ्यूजन क्लियर कर दूं दोस्तों, ये स्त्री नहीं है, पुरुष है। बहुत ही बड़े ये साहित्यकार माने जाते हैं, राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। तो इनके बारे में कई सारे प्रश्न बने हुए हैं आरपीएससी में भी, आरएसएमएसएसबी में भी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। आगे हम चलें तो सीताराम लालस जो हैं वो भी कहीं बड़े साहित्यकार हुए हैं और पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो कई बार प्रश्न ऐसे भी बन जाता है, निम्न में से किसको पद्मश्री मिला हुआ है राजस्थान के साहित्यकारों में, अलग अलग ऑप्शन वहाँ पे दिए होते हैं, तो आपको अगर सीताराम लालस साहब का वहाँ पे ऑप्शन लिखे तो इसको भी आपको राइट करना होता है। आगे चलें तो ये है मणि मधुकर। मणि मधुकर के बारे में एक प्रश्न तो ऐसे ही बन जाता है कि मणि मधुकर क्या थे, क्यों थे, और एक सबसे बड़ी यहाँ पे आपको ये बुक दिख रही होगी, इस बुक पे कई बार प्रश्न आरपीएससी ने पूछा हुआ है, प्रश्न कैसे बना है, ये जो प्रमुख बुक थी इनकी उसका नाम था पग फेरो। पग फेरो कौन किसकी बुक थी ये पूछ लिया जाता है, या मणिशंकर की प्रमुख बुक कौन थी, मणि मधुकर की प्रमुख बुक कौन थी, वो उसका आंसर पग फेरे हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न इसके अंदर से बने हुए हैं। आगे हम देखें तो हिंदी का शेक्सपियर भी नहीं कहा जाता है, ये रांगेय राघव है, और रांगेय राघव का निधन जो है 29 वर्ष की आयु में मुंबई में हुआ था सन 1962 में, और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और बहुत ही बढ़िया रचनाएं ये करते थे, बहुत ही बढ़िया साहित्य में इनका पकड़ था। तो इनका भी प्रश्न बनता है और इन्हें हिंदी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये देख लीजिए एक पत्रिका है समय पत्रिका, उन्होंने इनके बारे में बहुत सारा कुछ लिखा है, लेकिन अपन को इनके बारे में पता भी नहीं होगा। तो ये राजस्थान के लोग हैं, इनके बारे में अपन को पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में वही बनता है और वैसे भी अपन को इनके बारे में जानना चाहिए। अगले अपने साहित्यकार जो आते हैं वो हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र। चंद्र इनके पीछे लगता है, यादवेंद्र चंद्र शर्मा नहीं है, ठीक है ना, यादवेंद्र शर्मा चंद्र इनका नाम है, और इनकी एक कृति है उसका नाम है जमारो। जमारो से भी प्रश्न बनता है और यादवेंद्र शर्मा जी के बारे में भी प्रश्न बनता है। तो ये बहुत ही प्रमुख साहित्यकार राजस्थान के हुए हैं। आगे हम देखें तो एक है चंद्र सिंह बिरकाली, ये बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं और बहुत ज्यादा फेमस ये राजस्थान में है, तो इनके बारे में भी कई बार प्रश्न बना है और ये भी बहुत महत्व रखते हैं, अलग अलग चीजें इन्होंने करी है, उनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ये सारे अपन ने देखे किस प्रकार से ये होते हैं, अब इनकी डिटेल लेते हैं कि ये किस प्रकार से क्या करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा था सूर्यमल मिश्र साहब को, तो पहले नंबर पे हम लेते हैं सूर्यमल मिश्र साहब से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इनकी जीवनी क्या थी, किस प्रकार से सारे काम हुए हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, बूंदी जिले के हरणा गांव में चारण कुल में जन्मे ही है, तो ये एक चारण कवि है, ठीक है। सूर्यमल मिश्र बूंदी के शासक महाराव राम सिंह हाडा के दरबारी थे। अब यहाँ से एक बात निकल के आती है, ये जो बूंदी के शासक है वो हाडा शासक होते हैं, आपको पता होगा। इसी प्रकार से शेखावटी में जाएं तो शेखावत आ जाते हैं, और आगे जाएं तो ये जो है राजपूत वंश चलता है, तो बूंदी का राजपूत वंश किससे बिलोंग करता है, कोटा और बूंदी हाड़ौती का वो करता है, हाड़ा शासकों से बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये दरबारी कवि थे हाड़ा शासक के, और इनकी जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना जो हुई है वो हुई है वंश भास्कर। इसके बारे में कई बार आरपीएससी ने पूछा है, आरएसएमएसएसबी ने पूछा है, और भी कई एग्जामों में पूछा गया है, इवन आरएस में भी प्रश्न बना था। वंश भास्कर की बात करें तो जिसमें बूंदी के चौहान शासकों का इतिहास लिखा है, एक बार प्रश्न ऐसे ही बना था, बूंदी के चौहान शासकों का इतिहास कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है, कौन से रचना में लिखा हुआ है, या उसके लेखक कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सूर्यमल मिश्र साहब तो लेखक हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, बूंदी से। बूंदी कहाँ पड़ता है, हाड़ौती में, और प्रसिद्ध रचनाकार प्रसिद्ध जो है दरबारी कवि ये हुए हैं हाड़ा शासकों के। आगे अगर बात करें तो इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है वीर सतसई बलवंत विलास और छंद मयूख है,
ये पूछे जाते हैं, बलवंत विलास, छंदमय और वीर सत्सई किनके द्वारा लिखे गए थे, तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो डायरेक्टली ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे हम चलें तो वीर रस के इस कवि, ये वीर रस के कवि थे और रसावतार कहा जाता था। क्या कहा जाता था इन्हें, तो ये नाम ध्यान रख लेना, रसावतार, ये भी प्रश्न बन सकता है। सूर्यमल मिश्र को आधुनिक राजस्थानी के काव्य का नव जागरण का पुरोधा कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आधुनिक राजस्थानी के काव्य का नव जागरण का पुरोधा कौन है, इनके पुरोधा कौन है, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, मिश्रण को माना जाता है। ये अपने अपूर्व ग्रंथ वीर सतसई के प्रथम दोहे में ही समय पलटी शीश की उद्घोषणा के साथ राजस्थान अंग्रेजी दासता के विरुद्ध बिगुल बजाते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि इनके लेखन से जो अंग्रेजी भाषा थी उसके विरुद्ध अंग्रेजी जो दासता थी, अंग्रेजी दासता का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी दासता का एक अर्थ अंग्रेजी गुलामी भी कहा जा सकता है, कि अंग्रेजी की एज ए दासी बनकर हिंदी जो रहती थी पहले, या राजस्थानी जो रहती थी, उसके विरुद्ध इन्होंने लिखा है और राजस्थानी को और हिंदी को आगे बढ़ाया है। तो ये थे सूर्यमल मिश्रण साहब, ये दरबारी कवि थे, हाड़ा शासकों के बूंदी से बिलोंग करते थे। अब कोई भी प्रश्न आए आपको गलत नहीं करना है। अगले आते हैं अपने एलपी तेसी तोरी साहब, जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया, इनका अभी वर्तमान में ये नहीं है और कई सारे कंसर्ट, कई सारी चीज़ें इनके बारे में होती रहती है, वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने आगे पहुंचाया है राजस्थानी कल्चर को। इटली के प्रसिद्ध भाषा शास्त्री डॉक्टर, अभी ध्यान रख लेना ये इटली के थे लेकिन बिलोंग राजस्थान से करते थे, कहीं ऐसा मत मान लेना कि ये इटली के हैं तो ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, राजस्थान से बिलोंग करते थे। 2014 में राजस्थान आए थे और बीकानेर आने के बाद बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इन्हें राजस्थान के चारण साहित्य का सर्वेक्षण एवं संग्रहण का कार्य सौंपा था। तो प्रश्न ऐसे ही बनेगा, चारण साहित्य का सर्वेक्षण और संग्रहण का कार्य किसको सौंपा गया था, तो ये थे डॉक्टर एलपी तेसी तोरी। अब आप इसको इस प्रकार से ध्यान रख लेना, तेसी तोरी है या तेसी तोरी है, क्योंकि तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसी प्रकार का प्रोनंसिएशन होता है। और सन याद रख लेना, सन 1914 में राजस्थान बीकानेर में आए थे और चारण साहित्य का संग्रहण इनको सौंपा गया था। राजस्थानी चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे तथा पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण नामक पुस्तकें इन्होंने लिखी है। तो एक बार देख लीजिए, ये चारण साहित्य में भी इस्तेमाल आते हैं, बहुत ज्यादा नाम रखते हैं, उसका कारण उन्होंने किया है, तो इसे भी प्रश्न बन सकता है। और ऐतिहासिक सर्वे राजस्थानी चारण साहित्य का वो इनके द्वारा किया गया था, इसे प्रश्न बन सकता है। और पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण नामक पुस्तकें भी इन्होंने लिखी है। बीकानेर इनकी कर्मस्थली रहा है और बीकानेर का प्रसिद्ध म्यूजियम इन्हीं की देन है। एक बार ध्यान रख लेना, इन पर प्रश्न कन्फर्म बनेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्होंने करी है और बीकानेर से संबंध रखने वाले ये साहित्यकार हैं। अब ये जो साहित्यकार है, आपको पता होगा कर्नल जेम्स टोड, ये बहुत पुराने हैं और अंग्रेजों के जमाने हैं के हैं, तो कई बार इसके बारे में जानकारी आपको भी होगी, आइए जानते हैं इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं इनके लिए। ये इंग्लैंड के निवासी थे, कर्नल जेम्स टोड इनका पूरा नाम है, और सन 1917 और 18 में पश्चिमी राजपूत राज्यों को पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा गया था और ये उदयपुर आए थे। यानी कि ये ब्रिटेन, मतलब जो गवर्नमेंट होती थी ब्रिटिश सरकार के, उसके अंडर में कार्य करते थे और राजस्थान में फिर कहाँ आए थे, उदयपुर में आए थे। इन्होंने 5 वर्ष तक राजस्थान का इतिहास विशेषज्ञ सामग्री एकत्रित की। इंग्लैंड जाकर सन 1829 में एंसल एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, एंसल एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी। तो ये ध्यान रख लेना, ये नाम भी पूछा जा सकता है, एंस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। यहाँ पे कुछ शब्द आपको नहीं दिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिंक आपको दे दूंगा, उससे भी आप इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स इनके क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें जिसका दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, तो इस किताब के बारे में प्रश्न बने हुए हैं कई बार, तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। आगे हम देखें, इस रचना में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, ये देख लीजिए, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो इसी रचना में हुआ है। तो कई बार ऐसा भी पूछा गया है, तो राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड। ये जियोग्राफिकली में भी पूछा जाता है प्रश्न, और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के लेखन का पितामह माना जाता है। अलग अलग नाम है, पितामह भी कहा जाता है, प्रथम इतिहासकार भी कहा जाता है, और बाकी दास ने अपनी कविताओं में अंग्रेजी की अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूत शासकों को फटकारा था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती है। अब आगे चलते हैं, कन्हैयालाल सेठिया, दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा महत्व ये रखते हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाएंगे, और बहुत इनके नाम अगर आपने सुना होगा, इतने कम विख्यात ये नहीं है, चूरू जिले से ये रखते थे संबंध,
चुरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में जन्मे सेठिया आधुनिक काल के प्रसिद्ध हिंदी और राजस्थानी लेखक हैं। ये हिंदी में भी पढ़े जाते हैं, जो हिंदी साहित्य का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो आर एस का दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य जो रचना थी वो थी पाथल ओ पीथल। देख लीजिए, पाथल वो पीतल है, पाथल राणा प्रताप, वो राणा प्रताप को पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना, दोनों राजपूत शासक रहे हैं, एक तो राणा प्रताप, एक जो है पृथ्वीराज राठौड़। तो पीथल जो है वो किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज को। और पाथल जो किसे कहा जाता है? राणा प्रताप को। एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ पे एक ट्रिक है इसमें, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। पा में क्या आता है? आ आता है ना। राणा में क्या आता है? आ आता है, तो पाथल राणा। और पी में क्या आता है? पीथल में पी आता है, और पृथ्वी में क्या आता है? वी आता है। तो ई जहाँ आएंगे वहां पीतल, और जहाँ पाथल राणा। समझ में आएगी? आ की मात्रा ई की मात्रा से आप भेद पैदा कर सकते हैं। सेठिया जी की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं लील टांस, मंजीर, धरती धोरारी। और धरती धोरारी तो एक ऐसी रचना है कि हर व्यक्ति उसको गाता है, बहुत फेमस है ये। आगे आता है विजयदान देथा जी। ये बहुत बड़े और महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें, अभी यहाँ पे देखा लिखा हुआ है तो ये देखा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, देखा कर लीजिएगा। इनकी जो सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृति जो है वो है बातारी फुलवारी। बहुत ही बढ़िया ये है। और इसमें क्या मिला इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये छोटा मोटा पुरस्कार नहीं होता है, बहुत बड़ा पुरस्कार होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये विजयदान देथा जी को मिला है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। और किसके लिए मिला है? बातारी फुलवारी के लिए। आरपीसी में इसके संबंध से कई सारे प्रश्न बने हुए हैं, जिसमें राजस्थान की लोक कथाओं का संग्रह किया गया है। इसमें राजस्थान की कथाओं का संग्रह किया है, लोक कथाएं। लोक कथाएं क्या होती है? जो राजस्थान के लोगों द्वारा कही गई या सुनी गई है। राजस्थानी लोकगीतों और कथाओं के शोध में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये ऐसे थे विजयदान देथा जी। अब आगे हम चलते हैं, कोमल कोठारी जी के बारे में सुनते हैं थोड़ा सा, क्या है इनके बारे में। तो दोस्तों, कोमल कोठारी जो थे, राजस्थानी लोकगीतों और कथाओं आदि के संकलन एवं शोध हेतु समर्पित कोमल कोठारी को राजस्थान साहित्य में किए गए कार्य हेतु नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई थी। अब ये फेलोशिप क्या होती है? नेहरू फेलोशिप होती है, ये जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें ऐसी जो है फैसिलिटी प्रदान की जाती है। और राजस्थान के लोकगीतों और कथाओं के संकलन एवं शोध के लिए समर्पित थे। कौन थे? कोमल कोठारी। तो लोकगीत का जहाँ नाम आता है और शोध का नाम आता है, कथाओं का नाम आता है, तो कहाँ चले जाएंगे अपन? कोमल कोठारी जी के पास चले जाएंगे। क्या है ये? साहित्यकार हैं। आगे मैं बात करूँ तो कोमल कोठारी द्वारा राजस्थान की लोक कलाओं और लोक संगीतों और वाद्य यंत्रों के संरक्षण में लुप्त हो रही कलाओं की खोज एवं उन्नयन तथा लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए बोरुंदा ने रूपायन संस्था की स्थापना की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए, एक साहित्यकार की सबसे बढ़िया बात ये होती है कि हम तो इनको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, हमें अच्छा सौभाग्य है, लेकिन उसके साथ साथ ये इन्होंने साहित्य में नहीं किया। अब देखिए, जो चीज़ें विलुप्त हो रही थी, जो चीज़ें नष्ट हो रही थी, लोग भूलते जा रहे थे राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में, लोक संगीतों, वाद्य यंत्रों। आपको पता है रावण हत्था अपना एक राजस्थान में ही प्रयोग होता है वाद्य यंत्र, और कितना मधुर ध्वनि उसकी होती है, आपने सुना होगा। के संरक्षण में कलाओं की नई खोज भी करी है राजस्थान की, उन्नयन भी किया है उन कलाकारों का, और प्रोत्साहित भी किया है कलाकारों को। और उस हेतु क्या किया है? बोरुंदा में रूपायन संस्था की स्थापना भी की गई है, जिससे राजस्थानी कला को आगे ले जाया जा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया है, कोमल कोठारी इनका नाम है। आगे बात करें तो सीताराम लालस जो है, बहुत ही बड़े ये साहित्यकार हुए हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं सीताराम लालस, और साहित्य भूषण की बारे में जानकारी ये रखते हैं। आगे मैं बात करूं, सीताराम लालस राजस्थानी भाषा के आधुनिक काल के प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, राजस्थानी भाषा के वर्तमान कह रहे हैं आधुनिक काल के। और राजस्थानी साहित्य में सीताराम लालस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण है। इन्होंने राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया है। तो ऐसा भी प्रश्न बना हुआ है कि राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया है, तो ये प्रश्न यहाँ से बनेगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे मैं बात करूँ तो आगे आता है मणि मधुकर। ये भी एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, और ज्यादातर प्रश्न जो बने हैं इसी से बने हैं, तो इसको तो आप रट ही लें। पग फेरे और मणि मधुकर पूछ लिया जाता है, लेखक कौन है पूछ लिया जाता है, किताब का क्या नाम है। तो मणि मधुकर की राजस्थानी भाषा की सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि है, कृति है, उसका नाम है पग फेरो। आगे चलते हैं, हिंदी का शेक्सपियर भी नहीं कहा जाता है, राघेय राघव इनका नाम है, रांगेय राघव। ये जो है राजस्थान के रांगेय राघव देश के प्रसिद्ध गद्य लेखक रहे हैं। अभी देश के हैं, पूरे भारत के हैं, राजस्थान के नहीं है।
और इनके प्रसिद्ध उपन्यास घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, घरौंदे, क्योंकि ये सारे ही पूछे जाने वाले हैं और ये न केवल राजस्थान के हैं, इंडिया लेवल के एग्जामों तक इनको पूछा जाता है। तो काफी ज्यादा फेमस ये है, हिंदी के शेक्सपियर भी माना जाता है, रांगे राघव इनका नाम है। आगे मैं बात करूं तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र, ये भी बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं और इनके बारे में भी कई सारे प्रश्न आरपीएससी ने भी पूछे हैं और राजस्थान में कई एग्जाम पूछे गए हैं। तो राजस्थान के उपन्यासकारों में सर्वाधिक चर्चित उपन्यासकार जो है वो बीकानेर के हैं। अब बीकानेर के दो हो चुके हैं, पहले भी बीकानेर के एक साहित्यकार आए थे, उनके नाम कमेंट में लिख के मेरे को बताइए, मैंने अभी बताया आपको। और दूसरे ये हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र, चंद्र इनके पीछे लगता है, बीच में नहीं लगता है, ध्यान रख लेना। राजस्थान की सामंती पृष्ठभूमि पर अनेक सशक्त उपन्यास लिखे, किस पे लिखे थे, सामंती पृष्ठभूमि पे। तो ये शब्द बड़ा महत्व रखता है, सामंती पृष्ठभूमि, इसमें से प्रश्न बन गया है, पूछ लिया जा सकता है। उनके उपन्यास खम्मा अन्नदाता, खम्मा अन्नदाता लिखा है इन्होंने, मिट्टी का कलंक लिखा है, जननी ड्योढ़ी लिखा है, एक और मुख्यमंत्री लिखा है, हजारों घोड़ों का सवार लिखा है आदि में सामंती प्रथा के पोषक राजाओं और जागीरदारों के अतरंग खोखलेपन और षड्यंत्र वो कुंठाओं पर जमकर प्रहार किए। यानी जो पहले सामंती राजा थे उनके ऊपर मतलब एक परिदृश्य दिखाया कि सच्चाई क्या है, लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसी चीजें उन्होंने लिखी है। तो ये काफी ज्यादा फेमस इसमें हुए हैं और काफी ज्यादा लोगों को अच्छे लगे हैं। राजस्थानी भाषा की पहली रंगीन फिल्म लाज राखो रानी सती की खता चंद्र ने ही लिखी है और हिंदी भाषा में लिखने वाले राजस्थानी लेखकों में यादवेंद्र शर्मा चंद्र सबसे अग्रणी है। तो एक बात ध्यान रख लेना, ये लाज राखो रानी सती की जो कथा है जिन्होंने लिखी है और ये राजस्थानी पहली रंगीन फिल्म थी, पूछा जाता है। ये भी दो तीन जानकारी यहाँ से बहुत बड़ी निकल के आती है। ये थे हमारे यादवेंद्र शर्मा चंद्र। आगे हम चलते हैं, आगे आता है चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली जो है ये भी काफी फेमस है और ये आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि कहे जाते हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है, प्रकृति प्रेमी यानी कि जो नेचर से प्रेम करते हैं, नेचर से लव करते हैं, इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है प्रकृति प्रक रचनाएं हैं वो है लू। लू आप जानते होंगे, राजस्थान में अक्सर गर्मियों में लू बहुत चलती है। डाफर वो बादली, बादली आज बरस जा रही इनकी कविता थी और बहुत ही आपने पढ़ी भी होगी, हिंदी में भी आती है। ऐसा भी प्रश्न बनता है कि इन्होंने चंद्र सिंह जी ने जो चंद्र सिंह बिरकाली जो थे इन्होंने कालिदास के जो नाटक थे उनको राजस्थानी में अनुवाद किया था, जो काफी ज्यादा फेमस ये हुआ था, और राजस्थानी में अनुवाद करना कालिदास के नाटकों का, ये भी एक प्रश्न बना हुआ है। आगे हम चलते हैं, अगला ये आता है मेघराज मुकुल सेनानी वो श्री लाल जोशी, इनके बारे में प्रश्न बन जाते हैं। इनकी जो थी अभोपटकी राजस्थानी भाषा की लोकप्रिय रचनाएं रही है। तो ये तमाम साहित्यकार हैं जो आपको हमने आज बताए, इनसे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मतलब उम्मीद तो यही करते ही नहीं जाएगा, क्योंकि लगभग लगभग जितने फेमस थे वो आपने देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं और आगे भी हम ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, जब हम ऐसे वीडियो बनाते हैं तो उनको जरूर देखा करो प्लीज, भले आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो ना करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक इनिशिएटिव में हम करते हैं। बहुत सारे आप देख लीजिए, इनके फोटो तक आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे शायद, क्योंकि ये जानते ही नहीं है लोग और ये कितने महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, अपने राज्य से हैं, अपने क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और एग्जाम में प्रश्न भी बनते हैं, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीज गुरु जी के साथ। ऐसी और घटनाएं, ऐसे और राजस्थान के चलचित्र, ऐसे और राजस्थान की जो परिदृश्य रहा है पिछली बार का, उसको हम बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे आपको। फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।